नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी कि धोखेबाज इंसान को पहचानने के 10 जो लक्षण हैं या धोखेबाज इंसान के 10 लक्षण के बारे में हमने जाना था हमारे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में पता करने वाले हैं कि धोखेबाज इंसान से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि धोखेबाज इंसान से किस प्रकार से बच सकते हैं या किसी धोखे से आप किस प्रकार से बच सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने धोखेबाज इंसान को तो जान लिया कि ये पर्टिकुलर इंसान धोखेबाज है, लेकिन उससे बचा कैसे जा सकता है या उस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है, या अगर आपको धोखा कभी किसी से ना मिले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अपने आँख, कान और दिमाग हमेशा खुला रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपके आजू बाजू जो भी घटनाएं हो रही है उस पर आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो गर्ल्स होती है वो किसी के धोखे में आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि वो न्यूज़ नहीं देखती, यानी कि वो जो आजू बाजू हो रहा है उसका उसको ध्यान ही नहीं रहता और वो फंस जाती किसी चक्कर में। तो आपको ध्यान रखना है कि आजू बाजू की जो चीज़ें, आजू बाजू का मतलब ये नहीं कि आपके घर के पड़ोस में या ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, आजू बाजू मतलब बाहर क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपको वो जानकारी होगी, उस पर अगर आप ध्यान रखोगे, उसके ऊपर आप दिमाग लगाओगे, तो आपको आपके साथ होने वाली घटना का अंदेशा पहले से हो जाएगा। और जब आपके होने वाली घटना का अंदेशा हो जाएगा तो आप उसमें फंसोगे नहीं। इसलिए अपने आँख, कान और दिमाग हमेशा आपको खुले रखना है। आप किसी पे भरोसा तो करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भरोसे से ही जिंदगी चलती है, भरोसे से ही दुनिया चल रही है, तो भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन किसी पे ब्लाइंड फेथ आपको नहीं करना है। ये नहीं कि सामने वाले ने जो भी बोल दिया वही पत्थर की रकीले, बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि किन चीज़ों पर हमको उसकी जो सत्यता है उसकी जाँच करनी है और किस चीज़ पर नहीं करनी है। यानी आप हमेशा एक पॉइंट जो है, अपना एक व्यू अलग जरूर रखिए अपने जो भी पार्टनर है आपका, या जो भी कोई कलीग है, या कुछ भी है, एक व्यू आपका अपना खुद का होना चाहिए, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि फला व्यक्ति हमारे जो विश्वास के काबिल है या नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप विश्वास किसी का भी कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंड फेथ हर किसी पर आपको नहीं करना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अपनी जो गोपनीय जानकारी है या अपने से संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको उजागर मत करिए, उसको आप सबके सामने मत लाइए। अक्सर क्या होता है कि लोग अपनी जो प्राइवेसी होती है या अपने से संबंधित बातें होती है ये अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं जाते हैं तो वहाँ कर देते हैं, और उनमें से किसी एक कमजोरी को पकड़कर या किसी एक बात को पकड़कर लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए अपने से संबंधित गोपनीय जानकारी जो है वो कभी किसी के साथ या किसी पार्टी में या किसी पब्लिक में साझा नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल है एक बड़ा सा, जिसमें 10-20 आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके बीच में भी आप अपनी निजी चीज़ों का को साझा मत करिए। जितने सबको मालूम है उतनी बात आप करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके प्राइवेसी है उसको आप सबके सामने जाहिर नहीं करिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि आप अपने महत्वपूर्ण काम का नियंत्रण किसी और को बिल्कुल ना दें। यानी जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आप किसी और को ना सौंपें। सपोज करिए आप किसी फर्म में हैं, किसी फर्म में आप काम करते हैं, और वहाँ पे आपका एक महत्वपूर्ण कोई पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो को आप ही जानते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करें कि उस पोर्टफोलियो के बारे में आप अपने कलीग को भी बता दें क्या देखो ये काम ऐसा होता है। क्योंकि अगर आपने किसी दिन बता दिया तो वो आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इसलिए आपको जो काम आपके पोर्टफोलियो में जो काम है, मैं किसी फर्म की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ या किसी भी संबंध को लेकर भी बात कर सकते हैं, तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम की जानकारी या महत्वपूर्ण काम का जो बागडोर है वो किसी और को सौंप देंगे तो वहाँ पर भी आपको धोखा खा सकते हैं आप। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, आप अपनी जो कमी है उसको कभी जाहिर मत करिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो। कमी तो कमी होती है, तो आप अपनी कमी को कभी भी जाहिर ना करें किसी के सामने। क्योंकि अगर आप अपनी कमी को जाहिर करेंगे, अपनी कमी को बताएंगे, तो उसी कमी का फ़ायदा उठाकर लोग आपको धोखा देंगे।
तो इसलिए आप अपनी कमी को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। ऐसी कमी आप बता सकते हो जो जर्नल कमी है, और यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये साधारण सी कमी, इसको आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी जो खास कमी है उसको आप जग जाहिर कर दे, उसको सबको बता दे, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी भी अपनी बागडोर किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए, यानी कि हमारा नियंत्रण किसी और के पास हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे फिर कितना भी क्लोज रिश्ता क्यों नहीं हो, या क्लोज आपका दोस्त क्यों नहीं है, कोई भी मैं रिश्ते में भी कह रहा हूँ, और आप अगर किसी और जगह ले जाना चाहते हो वहाँ भी ले जा सकते हो, तो आप अपनी बागडोर जो है वो कभी दूसरे के हाथ में नहीं, मतलब आप किसी की कठपुतली ना बने। अगर आप किसी की कठपुतली बन गए तो वो आपको हर एक स्टेज पर, हर एक पाँव पर आपको धोखा देगा ही देगा। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना। अगर जो मैंने अभी 5-6 चीज़ें बताई है उसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, अपनी लाइफ में फॉलो किया, तो कोई भी आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने चीज़ें बताई है वो आप उसको माइन्यूटली वॉच करें, और अगर ऐसा कहीं आपको मिले तो आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे और उन सभी धोखों से आप बच जाओगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप ये खुश मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।